हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहेंगे, और कुछ सेंटेंसेस आपको फ्यूचर के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। टुडे ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आई एम हाईली ऑनर्ड टू प्रेजेंट माई इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन फ्रंट ऑफ ऑल बिलव्ड पीपल। टुडे मीन्स आज, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ऑन मीन्स पर, दिस मीन्स इस, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, डे मीन्स दिन पर। तो आज इस शुभ दिन पर आई एम हाईली ऑनर्ड, आई एम, मैं हूँ, हाईली यानी कि अत्यधिक, ऑनर्ड मीन्स होता है सम्मानित, महसूस करना। तो आई एम हाईली ऑनर्ड, मैं अत्यधिक सम्मानित हूँ, टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करने में, माई इंडिपेंडेंस डे स्पीच, मेरा स्वतंत्रता दिवस भाषण। स्पीच मीन्स होता है भाषण, और प्रेजेंट मतलब गिफ्ट भी होता है, वर्तमान भी होता है, और प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है। इन फ्रंट ऑफ, इन मीन्स में, फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ऑल, ऑल मीन्स सभी के सामने, बिलव्ड पीपल, बिलव्ड यानी कि प्यारे या फिर प्रिय लोगों के सामने। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, आज इस शुभ दिन पर मैं अपने सभी प्रिय लोगों के सामने अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण प्रस्तुत करने में अत्यधिक सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सिंपल। 15th August इज अ डे दैट एवरी इंडियन मस्ट चेरिश एज वी गॉट द मोस्ट वैल्यूबल थिंग एज अ पर्सन। 15th August इज अ डे, यह एक दिन है, दैट जिसे एवरी इंडियन मस्ट, जिसे हर एक भारतीय मस्ट मतलब जरूर चाहिए, चेरिश यानी कि ध्यान रखना, जिसे हर एक भारतीय को जरूर ध्यान रखना चाहिए, एज, क्योंकि वी गॉट, हमने पाया है या हमें मिला है, द मोस्ट वैल्यूबल थिंग, सबसे अत्यधिक मूल्यवान वस्तु, अ पर्सन डिजायर, अ पर्सन इनकी एक व्यक्ति, डिजायर यानी कि जिसकी इच्छा करता है, जिसकी एक व्यक्ति इच्छा करता है, ए अ पर्सन डिजायर्स, एक व्यक्ति इच्छा करता है, द मोस्ट इन देयर लाइफ, द मोस्ट यानी कि सबसे अधिक इन देयर लाइफ, उनके जीवन में फ्रीडम, आज़ादी। दिस ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 77th इंडिपेंडेंस डे ईयर, इंडिपेंडेंस ईयर, दिस ईयर, इस साल, वी आर गोइंग, हम करने जा रहे हैं, ठीक है, हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम, वी आर गोइंग, देखिए इज आर एम के साथ में जब आई एन जी लगता है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। तो इस साल हम मनाने जा रहे हैं, टू सेलिब्रेट मतलब मनाने, इस साल हम मनाने जा रहे हैं आवर, हमारा 77th इंडिपेंडेंस ईयर, हम अपना 77वां स्वतंत्रता साल जो है, वर्ष जो है, मनाने जा रहे हैं, एज, क्योंकि वी, यू वेरी वेल नो, क्योंकि यू वेरी वेल नो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया यानी कि भारत, इज मीन्स है, मीन्स एक कंट्री मीन्स देश है, ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता, इन डाइवर्सिटी, इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में, तो विविधता यानी कि बहुत सारे लोगों में एकता का देश है, भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है। सो लाइकवाइज, तो इसी प्रकार या बिल्कुल वैसे ही, लाइकवाइज यानी कि सेम, उसी तरीके से या बिल्कुल वैसे ही, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष या हर साल, वी ऑल सेलिब्रेट, वी मीन्स हम, और मीन्स सभी, सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं, द मोस्ट स्पेशल डे, हम सबसे अत्यधिक या विशेष दिन मनाते हैं, स्पेशल मीन्स विशेष, हम सबसे विशेष दिन बनाते हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, एज इंडियंस, भारतीयों के रूप में, हम अपने जीवन में ये विशेष दिन भारतीयों के रूप में बनाते हैं, नॉट एज क्रिश्चियन, ना एक क्रिश्चियन की तरह, हिंदू ना हिंदू की तरह, और मुस्लिम ना मुस्लिम की तरह, आवर कंट्री इंडिया हैज़, हमारी कंट्री, हमारा देश इंडिया यानी कि भारत, हैज़ हैड अ ग्लोरियस पास्ट, उसका एक ग्लोरियस यानी कि एक यशस्वी या फिर गौरवशाली पास्ट रहा है, इन द लास्ट 77 ईयर्स सिंस इट इंडिपेंडेंस, इन द लास्ट यानी कि पिछले 77 ईयर्स, पिछले 77 वर्षों में, सिंस, जब से इट्स इंडिपेंडेंस, जब से ये स्वतंत्र हुआ, वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब देखिए यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम शुरू में सीखते हैं तो हमें लगता है कि
ये कैसे हो गया, यहाँ पर आर भी आया है, मूविंग में आई एन जी का भी यूज़ हुआ है बट बीच में कॉन्स्टेंटली आ गया है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कॉन्टिन्यूस एक्शन बताना होता है। वी आर कॉन्स्टेंटली यानी कि हम लगातार मूविंग यानी कि बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स ग्रोथ, हम लगातार उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट विकास की ओर बढ़ रहे हैं एंड प्रोग्रेस और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लगातार उन्नति विकास और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार। इंडिया हैज़ बीन एबल टू बिल्ड इट्स प्लेस ग्लोबली एंड एवरी इंडियन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। इंडिया हैज़ बीन एबल यानी कि भारत हैज़ बीन एबल सक्षम रहा है टू बिल्ड बनाने में इट्स प्लेस उसका स्थान ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर पर। तो भारत उसका स्थान विश्व स्तर पर रहा बनाने में सक्षम रहा है एंड और एवरी इंडियन प्रत्येक भारतीय हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इट टू इट, हर भारतीय ने या प्रत्येक भारतीय ने इसमें योगदान दिया है। ठीक है, पहले से ही दिया है क्योंकि इसीलिए हम हैज़ के साथ में यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। जब कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना कि पहले से ही होती आ रही है, पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है, प्रेजेंट में भी हो रही है और पहले से ही होती आ रही है, तब हम वहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करते हैं। बट लेकिन हाउ कैन बी ओवरलुक टू मेंशन दोज हुज एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मेड दिस हैपन। बट लेकिन हाउ कैन बी ओवरलुक, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकता है, सकते हैं, मॉडल है हमारा। वी ओवरलुक, वी मीन्स हम, ओवरलुक मीन्स क्या होता है, ओवरलुक मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनदेखा करना। तो हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं, टू मेंशन उल्लेख करने से दोज उनका, तो हम उनका उल्लेख करने से कैसे अनदेखा कर सकते हैं, हुज जिनके एफर्ट्स जिनके प्रयासों से, हुज एफर्ट्स यानी कि जिनके प्रयासों से एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस और जिनके योगदानों से एक्चुअली मेड दिस हैपन। एक्चुअली यानी कि वास्तव में मेड दिस हैपन, मेड मीन्स होना, दिस मीन्स यह है, हैपन मतलब हुआ, जिनके प्रयासों से ये हुआ। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, लेकिन बट लेकिन हाउ कैन बी ओवरलुक, हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं उल्लेख करना उनका, दोज यानी कि उनका, जिनके प्रयासों से और योगदानों से ये वास्तव में ऐसा हुआ। ठीक है, मेड दिस हैपन यानी कि वास्तव, एक्चुअली मेड दिस हैपन यानी कि वास्तव में ऐसा हुआ। तो सिंपल तरीका है, मैं आपको हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, जब भी कोई भी चीज़ पढ़नी है वर्ड टू वर्ड रीड करके हम पढ़ेंगे, ईजिली हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। आगे देखते हैं, मेड दिस हैपन, यस, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम, हाँ वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं अबाउट द फ्रीडम, हम आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ हम आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं। फाइटर्स तो क्या हो गया, सेनानियों के बारे में। अब देखिए क्या हुआ, हमने खाली फ्रीडम तक पढ़ा तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हाँ हम आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, बट अब हमने ऐड कर दिया फ्रीडम फाइटर्स यानी कि हाँ हम फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात कर रहे हैं। हु गेव अस, हु मीन्स जिन्होंने गेव अस, हमें दिया, ठीक है, हमें दिया, गिव की है सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हु गेव अस, जिन्होंने हमें दिया या हमें दी, देयर लाइफ, जिन्होंने हमें अपना जीवन दिया, देयर मतलब उनका, लाइफ यानी कि जीवन, जिन्होंने हमें उनका जीवन दिया। टू लिव फ्रीली, लिव मीन्स जीने के लिए, फ्रीली मीन्स आज़ादी के लिए, फ्रीली क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एक आज़ाद भारत में, हाँ हम बात कर रहे हैं अपने आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत में आज़ादी से जीने के लिए अपना जीवन दिया। सिंपली दिस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस, आवर ट्रिब्यूट्स एंड सैल्यूट्स, आवर मीन्स हमारा, ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि एंड सैल्यूट और हमारा सलाम, आर टू ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, आर मीन्स है टू ऑल दोज, ऑल दोज यानी कि उन सभी के लिए, फ्रीडम फाइटर्स उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, हु मेड देयर एफर्ट्स, हु मेड, जिन्होंने किया देयर एफर्ट्स अपने प्रयासों से, टू सेट इंडिया फ्री, टू सेट यानी कि स्थापित किया,
टू इंडिया फ्री, भारत को मुक्त स्थापित किया। हाँ हाँ इस स्वतंत्रता दिवस हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और सलाम दे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से हमारे भारत को आज़ाद स्थापित किया। फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द रूल, फ्रॉम मीन्स से द रूल यानी के शासन से, ऑफ ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के शासन से। तो देखिए रूल मीन्स नियम भी होता है और रूल मीन्स शासन भी होता है। मैं ये चीज़ आपको हर बार बोलती हूँ कि एक ही वर्ड के अलग अलग कई बार मीनिंग होते हैं, बट हमें ये चीज़ दिमाग लगा करके सोचनी है कि हमारा जो ये वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पर कौन सा यूज़ होना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, अच्छा हम जिसे बोलते हैं। सेकेंड है ऑनर्ड, सम्मानित। थर्ड है विलव्ड यानी कि प्रिय या फिर बहुत ही प्यारा। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। सेकंड वर्ड है हमारा ग्लोरियस एंड थर्ड है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो ये भी बताइएगा, और अगर आप चाहते हो कि कुछ और टाइप के टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।